फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सॉल्व घंटा में। फ्रेंड्स, आज अपने पढ़ेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस और टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बेटर है ये, ठीक है। तो इनमें अपने क्या क्या मिलेगा कि किसमें एक गुड क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर और बेस्ट फैकल्टी और एडिक्वेट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन द फील्ड के बेसिस पर, ठीक है। तो ये थी कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पर रिपोर्ट बनाई गई। तो रिपोर्ट में क्या क्या दे रखा है, डिस्क्लेमर दे रखा है, गवर्नमेंट कॉलेज टॉप गवर्नमेंट कॉलेज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन दे रखा है, टॉप प्राइवेट कॉलेज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन दे रखा है, टॉप पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज की रेटिंग्स दे रखी है और टॉप पोस्ट ग्रेजुएट प्राइवेट कॉलेज की रेटिंग दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो पीजी के लिए, तो फर्स्ट रैंक पे आता है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली का, ठीक है, आईया जैसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेटिंग दी गई है ये ऑनलाइन सर्वे के बेसिस पे दी गई है। सेकंड जो आता है वो एनआईए आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर राजस्थान में है जो, ठीक है। थर्ड पे आता है इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर गुजरात। फोर्थ पे आता है गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज एमजी रोड तिरुवनंतपुरम केरल में, केरला का जो है, ठीक है। और फिर फिफ्थ पे आता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी यूपी का, ठीक है। तो पांचवे पे आपका बीएचयू आ गया। सिक्स्थ पे आता है आर ए पोदार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, पोदार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। सेवन्थ नंबर पे आता है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान जो कि दिल्ली में, ठीक है, वही आईपी यूनिवर्सिटी वाला। एट्थ पे आता है गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बैंगलोर कर्नाटका, ठीक है, गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बैंगलोर का कर्नाटका का, ठीक है। नाइन्थ पे आता है पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट भोपाल एमपी, ठीक है, तो एमपी का नाइन्थ नंबर पे आ रहा। टेंथ नंबर पे एसएनपीए गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है, टेंथ पे आपका आ गया छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है। आप टॉप प्राइवेट कॉलेज देख लेते हैं टॉप 10। तो फर्स्ट पे आता है आपका श्री धर्मस्थला मंजूनाथेश्वर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल हसन एंड उडुपी कर्नाटक का ही, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है श्री बीएम कंकनावड़ी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बेलगांव कर्नाटक का, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड नंबर पे आता है वैद्य रत्नम पीएस वैरियर आयुर्वेद कॉलेज कोटक्कल केरला, ठीक है। फोर्थ पे आता है अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा अमृतापुरी केरला का, ठीक है। फिफ्थ पे आता है तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र का, ठीक है। और टॉप प्राइवेट कॉलेज फॉर पीजी, ठीक है, पांच नंबर हो गए। छठे पे आता है जेएस आयुर्वेद महाविद्यालय नाडियाड गुजरात का। सातवें पे आता है श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साइंस आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च बैंगलोर कर्नाटका का, ठीक है। एट पे आता है सुमति भाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। नाइन्थ पे आता है डॉक्टर डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर पुणे महाराष्ट्र। टेंथ पे आता है श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। अब टॉप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की रेटिंग, ठीक है, सबसे पहले पीजी कॉलेज की, तो सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, ऐसे दो दो तीन तीन करके अपने क्या है वो कंपेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ में क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर, ठीक है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो आईआईएम इसमें चार स्टार मिल रहे हैं, तो सबसे बेटर जो है फाइव स्टार मिल रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर को, ठीक है। बाकी जामनगर और आईया को फोर स्टार मिलते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर, ठीक है। एनआई सबसे पुराना है तो इस वजह से उस पर ज़्यादा है, ठीक है। और रिसर्च के मामले में आईया सबसे बेटर है, इसको फोर स्टार मिले इसमें और बाकी इन दोनों को तीन स्टार, ठीक है, जामनगर और जयपुर को, ठीक है। फैकल्टी के मामले में आपका जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को फोर स्टार मिले, बाकी
जामनगर और अय्या दोनों की फैकल्टी सबसे बढ़िया है, तो 5 स्टार दोनों को मिले। मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो अय्या का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब 3 स्टार मिले हैं उसको, ठीक ठीक है। और ऐसे ही NIA का मैनेजमेंट अच्छा है, जामनगर का तो अच्छा नहीं, ठीक है। स्टाइपन के मामले में इसको 5 स्टार मिले हैं, अय्या को सबसे ज़्यादा स्टाइपन उसी का है। फिर बाकी इन दोनों को, जयपुर और जामनगर का, दोनों का ठीक ठीक है, तो उनको 4 स्टार मिले हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज MG रोड त्रिवंतपुरम और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, ठीक है, वाराणसी। इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्लिनिकल एक्सपोजर में दोनों एक ही जैसे हैं, रिसर्च के मामले में एक ही जैसे हैं, फैकल्टी जो है वो BHU की थोड़ी बेटर है, मैनेजमेंट दोनों का एक ही जैसे, स्टाइपन जो है MG उसका तिरुवनंतपुरम वाले का तो अच्छा नहीं है, बट 5 स्टार मिले BHU के स्टाइपन को, ठीक है। तो अय्या और BHU का स्टाइपन सबसे ज़्यादा, तो सबसे बढ़िया स्टाइपन है इनका, ठीक है। अब टॉप गवर्नमेंट PG कॉलेज, फिर ये आगे 3 कॉलेज और देख लेते हैं, आर ए पोद्दार आयुर्वेद आयुर्वेद कॉलेज मुंबई और चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान दिल्ली, फिर गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में, ठीक है, तो 5 स्टार मिलते हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश को, सबसे ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे आते हैं, ठीक है। और बाकी को 4-4 स्टार मिल रहे हैं, तो कोई 4 स्टार बेकार नहीं है। रिसर्च के मामले में पोद्दार वाला और आपका बेंगलोर वाला गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ये कंपेरेटिवली बेटर है चौधरी ब्रह्म प्रकाश से। फैकल्टी जो है बट चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अच्छी है, और इसकी भी ठीक है, इसकी आर ए पोद्दार की उतनी अच्छी फैकल्टी नहीं है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट तीनों का लगभग एक ही जैसा है, स्टाइपन जो है वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश का ज़्यादा है, बाकी इसमें पोद्दार में और गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बेंगलोर वाले में ठीक ठीक है स्टाइपन, ठीक ठीक है। फिर आता है पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल और इसी के साथ में गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रायपुर, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर में, क्लिनिकल एक्सपोजर जो आपका रायपुर वाले में ज़्यादा है, रिसर्च दोनों की एक ही जैसे, फैकल्टी गवर्नमेंट रायपुर वाले की बेटर है, मैनेजमेंट दोनों की एक ही जैसे, स्टाइपन जो है पंडित खुशीलाल का ज़्यादा है, ठीक है। भोपाल वाले का स्टाइपन जो है ज़्यादा, 5 स्टार मिल रहे हैं, 5 स्टार का मतलब इसका वही 50,000 से ऊपर ही होगा, अराउंड 70,000 के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब टॉप प्राइवेट PG कॉलेज की रेटिंग देख लेते हैं, तो पहले अपना कर रहे हैं श्री धर्मस्थला मंजूनाथेश्वर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल हसन एंड उदयपुरी, फिर दूसरा है श्री BM कनकनवड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय बेलागावी, और तीसरा है वैद्य रत्न PS आयुर्वेद कॉलेज कोटक्कल, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में चौधरी BM कनकनवड़ी सबसे बेटर है, 5 स्टार दिया इसको, ठीक है, और बाकी दोनों का इक्वल है, ठीक है। रिसर्च के मामले में भी जो बेटर है तुम्हारा कनकनवड़ी और ये तुम्हारा धर्मस्थल वाला, ठीक है, रिसर्च उतनी बेटर नहीं है PS में, ठीक है। और फैकल्टी के मामले सबसे बढ़िया फैकल्टी है इसकी धर्मस्थला की और PS विद्यारत्नम की, ठीक है, 5 स्टार मिले उन्हें। मैनेजमेंट जो है वो BM कनकनवड़ी का ठीक ठीक है, स्टाइपन बहुत बेकार है धर्मस्थला और कनकनवड़ी का, बट कोटक्कल वाले का स्टाइपन थोड़ा थोड़ा ठीक है, ठीक है, कंपेरेटिवली ठीक है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट दो स्कूल आते हैं, वो आते हैं अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा अमृतापुरी में और दूसरा है तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में पुणे वाला बेटर है तिलक आयुर्वेदा, रिसर्च दोनों की एक ही जैसी है, फैकल्टी तिलक आयुर्वेदा की बेटर है, मैनेजमेंट तिलक आयुर्वेदा का ठीक है, स्टाइपन ना के बराबर दोनों में, ठीक है। फिर आगे के 3 कॉलेज आते हैं JS आयुर्वेद महाविद्यालय नाडियाड, श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साइंस एंड रिसर्च बेंगलोर, फिर सुमति भाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर श्री श्री कॉलेज आयुर्वेद साइंस एंड रिसर्च का बैंक सबसे बेटर है, फिर JS आयुर्वेदा सुमति भाई का दोनों का एक ही जैसा है, रिसर्च तीनों की एक ही जैसी है, फैकल्टी सबसे बढ़िया सुमति भाई की है, और फिर JS आयुर्वेदा श्री श्री की एक ही जैसी है, मैनेजमेंट वही JS आयुर्वेदा श्री श्री कॉलेज का ठीक है, सुमति भाई का थोड़ा सा तो अच्छा नहीं है, टाइपन तीनों में नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 कॉलेज बचते हैं,
डॉक्टर डीवाई पाटिल प्रतिष्ठान आयुर्वेद कॉलेज पुणे और श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर। क्लिनिकल एक्सपोजर नागपुर वाले का बेटर, रिसर्च दोनों की जैसी, फैकल्टी नागपुर वाले की बेटर है, मैनेजमेंट दोनों का एक जैसे, और स्टाइपेंड दोनों में ही नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड।